Josh, no, wait. फिल्म की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी और उसके पति को देखते हैं जो सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी इन्हें इनके डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, मगर नीचे जाने पर वो डॉग एकदम शांत नजर आता है। ये कुछ समझ पाती तभी पीछे से आकर कोई इसे गोली मार देता है, और जब ये अपना मांस हटाती है तब हमें पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि इसी की डुप्लीकेट है। ये इसके डेड बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में डालकर खुद उसकी जगह ले लेती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर नॉयल और डेविन अपने पार्किंग ऐप का डेमो अपने इन्वेस्टर को दिखा रहे थे। इन्वेस्टर को इनका ऐप बहुत पसंद आता है, मगर ये इन्हें बताते हैं कि सेम यही ऐप हमें मैक नाम के एक आदमी ने पहले ही दिखा दिया है और वो अगले हफ्ते इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हमें देने वाला है। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो तुम्हें मैक से पहले वो ऐप कंप्लीट करके हमें देना होगा, मगर ये ऐप एक हफ्ते में कंप्लीट करना नामुमकिन था। और ये ऐप का डुप्लीकेट बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का एक पुराना दोस्त होता है जिसके साथ इन्होंने अपना आइडिया शेयर किया था, और अब मैक इनके ही ऐप को बनाकर इनके साथ गद्दारी कर रहा था। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तब हमें इनके दो और फ्रेंड जॉश और लीना को दिखाया जाता है जो इनके इस प्रोजेक्ट बनाने में शामिल थे। और जब इन्हें पता चलता है कि इनका ही एक पुराने फ्रेंड ने इस प्रोजेक्ट को कॉपी करके बेचने वाला है, इस बात पर नॉयल और जॉस में बहस होने लगती है। तभी गुस्से में आकर जॉस दीवार पर गिलास फेंकता है जिसके कारण दीवार में छोटा सा छेद हो जाता है। पर लीना नोटिस करती है कि ये दीवार तो नकली है, जिसे तोड़ने के बाद इन्हें एक खुफिया तहखाना मिलता है जहां इन्हें उसी ओल्ड लेडी की तस्वीरें मिलती हैं जो यहां 2 साल पहले रहा करती थी, और फिर एक दिन अचानक से वो कहीं गायब हो गई। यहां पर इन्हें एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जहां पर एक ऐसा डिवाइस था जिसे घर के सभी रूम को यहीं से देख सकते हैं। पर सबसे बड़ी खोज तो डेविन करता है जो गलती से फिसल जाने के कारण इसका एक हाथ यहां रखे हुए मिरर के अंदर चला जाता है, जैसे वो कोई मैजिकल पोर्टल हो। इसके बाद सभी लोग बारी बारी से इसको चेक करने लगते हैं। डेविन अपने फोन का कैमरा ऑन करके मिरर के अंदर ले जाता है। तब इन्हें पता चलता है कि मिरर के दूसरी तरफ सेम इनके जैसी ही एक दुनिया है। ये सब देखकर जॉस अब नहीं रुक सकता था, इसीलिए जॉस पता लगाने के लिए मिरर के अंदर चला जाता है जो सच में उनकी ही दुनिया का एक डुप्लीकेट था। जॉस यहाँ पर अपने डुप्लीकेट लोगों को देखने के बाद जब ये अपनी दुनिया में वापस आता है तब इन्हें पता चलता है कि मिरर के उस तरफ एक पैरालल यूनिवर्स है, और वहाँ का समय यहाँ के हिसाब से बहुत तेज चल रहा है क्योंकि जॉस ने उस दुनिया में 15 मिनट से ज़्यादा बिताए थे जबकि यहाँ इसे बस 5 सेकेंड ही हुए थे। इसके बाद ये लोग इस पोर्टल के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और इन्हें इस मिरर के बारे में और जानकारी मिलती है। जैसे पहला, उस यूनिवर्स का समय इनकी दुनिया से फास्ट है। दूसरा, ये मिरर तभी काम करेगा जब ये एक एंगल में सेट हो। तीसरा, कि जब ये लोग उस यूनिवर्स में जाते हैं तब ये हर बार अलग अलग पैरालल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, और जब ये वापस आते हैं तब ये अपने ही प्राइम टाइम में लौटते हैं। मतलब ये इनके बस में नहीं है कि ये किस यूनिवर्स में जा रहे हैं, और मिरर के अंदर और कितने पैरालल यूनिवर्स हैं ये भी इन्हें नहीं पता है। अगर इन्हें एक ही यूनिवर्स में जाना हो तो इन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाना होगा, नहीं तो ये अलग अलग यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। एक और चीज़ ये नोटिस करते हैं कि जिस किसी यूनिवर्स में ये लोग जाते हैं वहाँ के इनके डुप्लीकेट ने अभी तक मिरर की खोज नहीं की है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इस मिरर की खोज एक इत्तेफाक से किया। जैसे गुस्से में आकर जॉस ने गिलास को दीवार पर मारा, ये घटना अभी तक दूसरे यूनिवर्स में नहीं घटी थी। इसका मतलब भले ही मिरर के अंदर की दुनिया सेम हो, मगर जरूरी ये नहीं है कि जो घटना यहाँ घटी है सेम घटना वहाँ भी घटे। जैसे मान लीजिए आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और सेम दूसरे यूनिवर्स में भी आपका डुप्लीकेट भी यही वीडियो देख रहा होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, लाइक कमेंट भी किया, मगर दूसरे यूनिवर्स के डुप्लीकेट ने इस वीडियो को बंद कर दिया। तो अब बताएं, क्या उस डुप्लीकेट को इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी? नहीं मिली होगी। खैर, मूवी की स्टोरी पर आते हैं। अब जबकि ये सारी चीजें इन्हें पता चल गई थी
तभी डेविन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस ऐप को दूसरे यूनिवर्स में जाकर तैयार करें, क्योंकि वहां का समय इनकी दुनिया से अलग चलता है। जैसे यहां पर इनका बिताए हुए कुछ घंटे दूसरे यूनिवर्स में कई दिनों के बराबर थे, इसीलिए ये लोग बिना समय खराब किए ये लोग दूसरे यूनिवर्स में जाकर इस ऐप को बनाने लगते हैं। कई दिनों के बाद जब ये लोग अपने प्राइम टाइम में आते हैं तब यहाँ बस कुछ घंटे ही बीते थे। ये दोनों अपने इस ऐप को इन्वेस्टर को दिखाकर इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब ये लोग दूसरे यूनिवर्स में थे तब इन्होंने वहाँ पर कई दिन बिताने के बाद यहाँ आए और यहाँ पर बस कुछ घंटे ही बीते थे। इसका मतलब ये लोग फ्यूचर भी जान सकते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर जॉस दूसरे यूनिवर्स के जीते हुए लॉटरी के नंबर यहाँ के लॉटरी से मैच करता है, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो घटना घटे सेम वहाँ भी वैसा ही हो। अब इन्हें इस पोर्टल का किसी तरह से फायदा उठाना था, इसीलिए नॉयल उस यूनिवर्स में जाकर अपने ही डुप्लीकेट के पैसे चुराकर ये लोग पार्टी करते हैं। इन्हें तो इस चीज की लत लग जाती है, ये हर बार अलग अलग पैरालल यूनिवर्स में जाकर अपने ही डुप्लीकेट का पैसा चुराकर एंजॉय करते हैं। इन्हें अपने डुप्लीकेट की जरा भी फिक्र नहीं थी, चाहे वहाँ पर उसके साथ जो भी हो। नॉयल और जॉस के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग उस पैसे का दुरुपयोग करने लगते हैं। उस दिनों बाद इनके दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना हम दूसरे यूनिवर्स की जानकारी लाकर इस यूनिवर्स में फेमस हो जाएं, जैसे कि कोई सॉन्ग या कोई आर्ट जो इस दुनिया में अभी ना हो। मगर डेविन इस बात से सहमत नहीं था, वो इसलिए कि इसके पिता एक गलत काम करते हुए पकड़े गए थे और डेविन ने गुस्से में आकर अपने पिता को बहुत बुरा भला कहा, जिसके कारण उन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया। तब से ये खुद को जिम्मेदार मानने लगा। लेकिन इस बात से इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग तो इस मिरर का फायदा उठाते रहते हैं, जिसमें से लीना वहाँ की पेंटिंग और नॉयल कुछ नए इन्वेंशन की खोज करके ये दोनों रातों रात फेमस हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉस, जिसकी इस यूनिवर्स की गर्लफ्रेंड इसको छोड़कर चली गई थी, इसीलिए दूसरे यूनिवर्स में सेम उसी लड़की के साथ होता है। तभी यहाँ इस लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड आकर इस लड़की को मार देता है, लेकिन जॉस किसी तरह भागकर अपने यूनिवर्स में आ जाता है। इसे गोली लगी हुई थी और कुछ ही देर में जॉस दम तोड़ देता है। डेविन पुलिस को बुलाने को कहता है, जिस पर नॉवेल इसे मना कर देता है क्योंकि अगर पुलिस आई तो इन्हें इस मिरर के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए नॉयल अपना शैतानी दिमाग चलाता है और ये फैसला होता है कि इस जॉस को दूसरे यूनिवर्स में डालकर वहाँ के जॉस को बिना बताए यहाँ ले आएंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस फिर क्या था, ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगले दिन जब दूसरे यूनिवर्स का जॉस जागता है तब इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिस पर ये तीनों इसे बताते हैं कि कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था, इसीलिए तुम्हें यहाँ अजीब सा लग रहा है। मगर जॉस ये नहीं जानता था कि ये इस यूनिवर्स का नहीं है। खैर, अब ये तीनों इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे क्योंकि उसे इस मिरर के बारे में अभी कुछ नहीं पता था। इसीलिए नॉयल जॉस को अपने जुगाड़ से इसको एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी में जॉब लगवा देता है, ताकि ये इन लोगों से दूर रहे और किसी को शक भी ना हो कि इस यूनिवर्स का जॉस अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लीना और नॉयल नहीं रुकते, ये हर बार दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने काम की चीज यहाँ लेकर आते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर डेविड को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अब ये उस यूनिवर्स को ढूंढने लगता है जहाँ इसके डैड जिंदा हो, ताकि ये अपने डैड से माफ़ी मांग सके। मगर हर बार ये जिस भी यूनिवर्स में पहुँचता है वहाँ पर पहले इसके डैड मर चुके होते हैं। ऐसे ही करते करते ये एक दिन एक ऐसे यूनिवर्स में पहुँच जाता है जहाँ इसके डैड अभी जिंदा थे। भले ही ये इसके असली डैड ना हो, मगर ये इनसे माफ़ी मांग कर अपने मन को हल्का करता है। दूसरी तरफ जॉस 2 को इस दुनिया में आकर इसे हर चीज अलग लग रही थी, ये अपने बारे में छानबीन करने लगता है। इस तरफ लीना, जिसे वो सब कुछ मिल रहा था जो इसे चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं इसकी अंतरात्मा जानती थी कि ये सब कुछ किसी दूसरे
दूसरे का है। इसके बाद नॉयल और लीना में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिसके बाद लीना नॉयल पर नजर रखने लगती है क्योंकि कई दिनों से डेविन नजर नहीं आ रहा था। और एक दिन लीना को एक टूटा मोबाइल मिलता है जो डेविन का होता है। लीना किसी तरह इस मोबाइल के जरिए डेविन के पास पहुंच जाती है और जब ये इससे बातें कर रही थी तब इसे पता चलता है कि अरे ये तो वो डेविन नहीं है जो इनके साथ था, बल्कि इस डेविन को तो उस मिरर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब लीना सब कुछ समझ जाती है कि ये सब नॉयल का किया धरा है, शायद उसी ने इस दुनिया के डेविन को मारकर दूसरे यूनिवर्स के डेविन को इस दुनिया में ले आया है ताकि वो अकेला उस मिरर का मालिक बन सके। ये जानकर लीना डेविन को उस मिरर के अंदर की दुनिया के बारे में समझाने लगती है, मगर ये ज्यादा कुछ नहीं समझ पाता, इसीलिए लीना नॉयल को मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद डेविन 2 को लीना पर यकीन होने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। दूसरी तरफ जॉस को भी नॉयल पर शक था, इसीलिए चुपके से इसी के घर में आकर कुछ सबूत ढूंढने लगता है। तभी उस पोर्टल से नॉयल बाहर आता है, जिसे देखकर जॉस को यकीन नहीं होता। नॉयल जॉस को समझाने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच में इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और गलती से जॉस के हाथों नॉयल को गोली लग जाती है। तभी इस मिरर से एक और नॉयल बाहर आता है जो असल में ओरिजिनल नॉयल था। इसका मतलब दूसरे यूनिवर्स का नॉयल भी इस मिरर के बारे में जान गया था और वो भी इस मिरर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। इससे पहले जॉस कुछ समझ पाता तभी अचानक से नॉयल अपनी न्यू गन निकालकर इन दोनों को मार देता है। तभी लीना भी यहाँ पहुंच जाती है। नॉयल इसे समझाने की कोशिश करता है मगर लीना इसकी बातों में नहीं आती। तब नॉयल इसको भी अपने रास्ते से हटाने वाला था, तभी डेविन 2 यहाँ आकर नॉयल को गोली मारकर घायल कर देता है। तभी नॉयल उस मिरर के अंदर चला जाता है। तभी लीना को याद आता है कि वो जल्दी ही ठीक होकर वापस आएगा क्योंकि उस यूनिवर्स का समय यहाँ से अलग था। और देखते ही देखते नॉयल उस मिरर से वापस आने लगता है, मगर तभी लीना उस मिरर को अपनी जगह से हिला देती है जिसके कारण पोर्टल बंद हो जाता है और नॉयल का आधा शरीर उस तरफ और आधा शरीर इस तरफ हो जाता है, जिसके कारण इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। अब इससे पहले उस मिरर से कोई और यहाँ आए और एक नई कहानी शुरू हो, लीना एक हथौड़े से इस मिरर को तोड़ देती है। लास्ट में डेविन और लीना इस शहर से कहीं दूर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। लीना बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है, तभी इसे वही आवाज़ सुनाई देती है जो पोर्टल के अंदर या बाहर जाने पर आती थी। फिर ये यहाँ पर किसी को देखकर चौंक जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद लीना हमें कार में दिखाई जाती है। ये डेविन से कहती है कि ये सॉन्ग तो मैंने बहुत समय पहले सुना था, जिस पर डेविन कहता है अरे ये सॉन्ग तो हम रास्ते में कई बार सुन चुके हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लीना तो ओरिजिनल लीना नहीं है बल्कि उसी की एक डुप्लीकेट है और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों लास्ट में वही हुआ जो मूवी के शुरुआत में हुआ था। इस बाथरूम में भी एक मिरर पोर्टल था जिससे दूसरे यूनिवर्स की लीना यहाँ आकर ओरिजिनल लीना को मारकर खुद उसकी जगह ले लेती है। क्योंकि ये पैरालल यूनिवर्स है इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में भी आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ देखने को मिलेंगी। तब तक आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं।